अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरास किचन। फ्रेंड्स, मायरास किचन में आज हम आपके लिए बना रहे हैं मज़ेदार बीफ देगी बिरयानी की रेसिपी। बीफ देगी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम ऐड कर रहे हैं बीफ 1 kg, लाल मिर्च पाउडर है 1 tablespoon, हल्दी पाउडर है 1 teaspoon, धनिया पाउडर है 1 tablespoon, नमक ऐड करेंगे 1 tablespoon, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जायफल और जावित्री का पाउडर है 1/4 teaspoon, लहसुन का पेस्ट है 2 tablespoon, अदरक का पेस्ट है 1 tablespoon, पानी है 1 liter, और अब हम गोश्त को उबलने देंगे। गोश्त में जैसे उबाल आएगा तो अब हम कवर करेंगे और प्रेशर कुक करेंगे तकरीबन 30 मिनट्स तक के लिए। जी फ्रेंड्स, हमने 30 मिनट्स के लिए प्रेशर कुक किया है और अब अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। और एक साइड पर रख देते हैं। अब एक पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे 1 cup, जीरा ऐड करेंगे 1 teaspoon, लौंग है तकरीबन 15 अदद, बड़ी इलायची है 3 अदद, छोटी इलायची है 10 अदद, दालचीनी की स्टिक्स हैं 4 अदद, और तकरीबन 10 सेकंड्स के लिए सौते करेंगे। अब हम ऐड करेंगे स्लाइस्ड अनियन 1 cup और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन किया है, अब ऐड करेंगे चॉप टमेटोज 1 cup और पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम पर। अब हम ऐड कर रहे हैं दही 1 cup, अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स किया है और तकरीबन 2 से 3 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। और अब ऐड कर रहे हैं ग्रीन चिलीज 6 अदद, चाट मसाला पाउडर है 1 tablespoon, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम बॉइल किया हुआ बीफ ऐड करेंगे और पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर। दो से तीन मिनट्स तक हाई फ्लेम पर पकाने के बाद हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/2 cup, कुछ नींबू के स्लाइसेस ऐड करेंगे, टमाटर के स्लाइसेस ऐड कर रहे हैं, दही ऐड कर रहे हैं 1/2 cup, जर्दे का रंग ऐड करेंगे 1/2 cup, और अब हमारे पास हैं उबले हुए चावल 1 kg और चावलों को हमने 80% तक पकाया है, यानी 2 कनी छोड़ दिया है। चावलों की लेयर लगाएंगे। और अब कवर कर रहे हैं और तकरीबन 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। जी फ्रेंड्स, हमने चावलों को तकरीबन 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर दम पे रखा था और अब हमारी मज़ेदार बीफ देगी बिरयानी सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है।
उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।